हेलो बच्चों, हेलो माय फ्रेंड्स, सारे माय यूट्यूब फैमिली, सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो ये टाइम है 5:30 बज चुके हैं और मेरा मतलब तुलसी जी में पानी देना, दीपक जलाना और झाड़ू लगाना घर की, ये सब काम हो गए। अब मैं आई हूँ किचन में, अपना गर्म पानी करूंगी और आज बेटे को जाना है कोचिंग, तो कोचिंग उसे जल्दी जाना पड़ता है, 7:45 निकलना पड़ता है, तो मैं बनाऊंगी उसके लिए नाश्ता। वैसे तो मना करता है, बोलता है बिस्किट खा जाऊंगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कुछ बना दूं, तो मैं बनाऊंगी नमक अजवाइन की पूड़ी। पहले मैं करूंगी गर्म पानी। नमक अजवाइन की पूड़ियाँ मेरी मम्मी बनाया करती थी, तो बहुत अच्छी लगती थी। बिल्कुल टाइट आटा गूंथ लें इसका और फिर छोटी छोटी इन्हें बेल लें, बिस्किट के आकार की बनाती थी वो। मैं भी ऐसी ही बनाती हूँ, बिल्कुल कड़ा काटा गूंथ लें इसका। कड़ा काटे से बहुत अच्छी बनती है। बिल्कुल कड़ा काटा है और इसको ज्यादा गोल या नरम या कैसे भी नहीं करना है, ऐसे कड़क कड़क ही बेल लें इसको, चाहे शेप कैसा भी आए, लेकिन ये बहुत अच्छी बनती है। जैसे बिस्किट खा रहे हैं हम नमकीन, ऐसी बनेंगी। सुबह गर्म पानी लेने से आपके जो पेट का डाइजेशन है वो अच्छा हो जाता है। मैंने कल भी कहा था, दूसरे आपका शरीर नहीं बढ़ता, जितना आपका शरीर है उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, कम से कम घटेगा नहीं तो बढ़ेगा भी नहीं। तो गर्म पानी जरूर लें सुबह। मुझे तो बहुत साल हो गए और वेट है वो कम ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। तो जिसको भी मोटापे की समस्या है वो गर्म पानी जरूर ले सुबह उठकर, और अगर हो सके तो 3 टाइम गर्म पानी लीजिए। खाना खाने के बाद दोपहर को ले सकती हैं आप और रात को भी गर्म पानी ले सकती हैं, सुबह उठते ही तो जरूर ले, इससे आपके पेट की जो गैस है वो सब ठीक हो जाएगी।
ये पूड़ियाँ बिल्कुल मठरी की तरह लगेंगी, बिस्किट की तरह भी लगती हैं और मठरी की तरह भी लगती हैं खाने में, तो चाय के साथ बहुत अच्छी लगती हैं ये पूड़ियाँ। तो आप भी जरूर बना के देखिएगा। ये देखिए पूड़ियाँ कितनी खस्ता बनी है। मेरा चाय नाश्ता बन गया है, बेटे बहू भी आने वाले हैं ऊपर से, और अभी बजे हैं 6:30। एमी भी उठ गई है और एमी के लिए बिना नमक की पूरी भी बना दी है मैंने, क्योंकि वो भी हमारे साथ खाती है। तो बस अभी हम करेंगे नाश्ता। तो अब 9:30 का टाइम है और बहू को मैं मौसमी का जूस दे चुकी हूँ आधे घंटे पहले, थोड़ी थोड़ी देर में उसको देती रहती हूँ। अभी बेटा लेके आया था नारियल पानी, अब ये देने गया है बेटा और फिर उसके चढ़ाएगा ड्रिप। और अब बेटे को भी कुछ खाने को दूंगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में हर इंसान को जो ज्यादा काम करते हैं उसे तो एनर्जी लेनी ही चाहिए, लेकिन हर एक को ही लेनी चाहिए। अगर आप बड़ी उम्र के हैं तो अभी 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ थोड़ा लेते रहें। तो अब बेटा वापस जाएगा क्लिनिक और उसके बहुत काम रहता है, तब मैं उसको एक बार सुबह नाश्ता देती हूँ, फिर उसको 9:30 अभी आता है तब एक बार फिर थोड़ा नाश्ता देती हूँ, चाय तो फ्रूट देती हूँ, सभी लेते हैं हम, अभी तो जागृति बीमार है, नहीं तो हम सभी फ्रूट लेते हैं एक बार सुबह नाश्ता ले लेते हैं, इस टाइम फ्रूट ले लेते हैं या फिर हम दोबारा एक नाश्ता और लेते हैं। तो अभी ऐसे नाश्ते ले लेते हैं जो हल्के फुल्के हों। तो ये जो साबुत मूंग होते हैं उनको भिगोया था मैंने और साथ में काले चने भी भिगोए थे, इनको मैं इतने से तेल में बस छोंक दूंगी जीरा डाल के, और उसके बाद इसमें थोड़े बहुत मसाले डालकर नींबू का रस डाल दूंगी, तो ये एक नाश्ता और हो जाएगा। जागृति से तो अभी नहीं खाया जा रहा है, लेकिन उसको हम बरोबर हर घंटे में लिक्विड दे रहे हैं जिससे कि उसकी प्लेटलेट गिरेंगी नहीं। तो हम अगर कुछ लेते हैं तो उसको पहले दे देते हैं जिससे हमारा मन शांत रहता है कि पहले जागृति ने खा लिया उसके बाद हम लेते हैं। तो जागृति को मैं 1 गिलास मौसमी जूस दे चुकी हूँ और 1 गिलास हमने अभी नारियल का जूस दिया है, और अब हम लेंगे खुद थोड़ा बहुत नाश्ता, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेंगे क्योंकि सुबह आज हैवी नाश्ता कर लिया था। अगर सुबह हम बिस्किट वगैरह लेते हैं तो इस टाइम हैवी नाश्ता कर लेते हैं, अब हम ये थोड़ी थोड़ी प्लेटों में ले लेंगे ये, और उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। तो पहले मैं ही बना रही हूं, मैं इसमें सभी चीजें डाल देती हूँ जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। आज टमाटर नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं केवल हरी मिर्च डालूंगी और नींबू का जूस डाल दूंगी इसमें। हल्के हल्के मसाले डाल दूंगी, बिल्कुल हल्की मिर्ची डालूंगी।
एकदम कच्चे भी नुकसान करते हैं, तो फिर मैं इनको थोड़ा सा भून देती हूँ। नींबू के रस से बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और पचने में भी सही रहता है। और नींबू में तो वैसे भी विटामिन सी होता है और इनमें सब में प्रोटीन होता है, तो ऐसी चीजें लेते रहने चाहिए जिससे हमें विटामिन प्रोटीन सब मिलता रहे। मूंग है, मोठ है, काले चने हैं, काबुली चने हैं, तो इन चीजों को मैं ग्रोसरी में साथ में मंगा लेती हूँ। और फिर ये पूरे महीने में जितने भी चने आधा आधा किलो मंगा लेती हूँ और सबको देती रहती हूँ। इससे क्या है कि सभी चीजें हमें मिल जाती हैं। दालें हम वैसे भी रोज खाते हैं तो डेली ही बनती है हमारे दाल, तो दाल जरूर लेनी चाहिए, प्रोटीन होता है उसमें बहुत ज्यादा। दूध रोज पिए आप, कैल्शियम मिलता है दूध से, और इन चीजों से आपको प्रोटीन और विटामिन सी मिलेगा आपको, अगर नींबू के रस का आप यूज करती हैं। नींबू का रस भी ले लेना चाहिए शिकंजी बना के, चाहे आप गर्म पानी में लें, चाहे किसी भी तरह से। ऐसी चीजें अपने शरीर में पहुंचाती रहें जिससे कि आपके शरीर को हर तरह के विटामिन प्रोटीन और कैल्शियम वगैरह मिलता रहे। तो मैं ये सब चीजें खाने में अपने बच्चों को देती हूँ और हम खुद भी लेते हैं, इससे हम स्वस्थ रहते हैं। तो भगवान की दया से अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और न हम कभी ऐसे कमजोर पतले दुबले दिखे। हम अपना ऐसा खाना लेते रहते हैं जिससे हम अपने खाने को नहीं लग जाते हैं, कि जब हम खा के भी खाने को लग जाते हैं तो बुरे लगते हैं। तो हम खाते सब चीजें हैं, इससे हमारा शरीर हष्ट पुष्ट भी दिखता है और चेहरे में रौनक दिखती है। खाने पीने की मेरे घर में मैं कोई कमी नहीं रखती हूँ, ग्रोसरी फुल रखती हूँ, किसी भी सामान को खत्म नहीं होने देती। दूध मेरे घर में फुल पड़ा रहता है, एक दिन का आया हुआ दूध हमारे दूसरे दिन तक खूब सारा रखा रहता है, दूसरा दूध आ जाता है फिर भी पहला दूध हमारा इतना सारा रखा रहता है। हाथ सबका खुला छोड़ रखा है, कुछ भी खाएं कुछ भी पिए, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। दूध, दही, घी, तेल, ग्रोसरी का सामान, ये सारा मैं भरा रखती हूँ, मेरी आदत है। इसका खर्चा मैंने अपने हाथ में ही ले रखा है, सारे घर का खर्चा, और कैसे खर्चा चलाना चाहिए मैं इसको पूरी तरह से अपनी समझदारी से चलाती हूँ। मैं किसी भी चीज की कमी अपनी किचन में नहीं रहने देती हूँ और सबका हाथ खुला है, कुछ भी खा सकते हैं इसमें से हम। तो हमारे घर में 3-4 बार नाश्ता बनता है, कोई जरूरी नहीं अभी 3 बजे फिर बन जाएगा नाश्ता, 5 बजे भी बन सकता है, 3 बजे भी बन सकता है, सुबह बनता है नाश्ता हमारे और फिर हम खाना खाते हैं और 4 बजे हम फिर चाय के साथ कुछ ना कुछ लेते हैं। तो हमारे घर में खाने की बिल्कुल भी कमी नहीं रखते हैं हम। तो आप भी ध्यान रखिए कि खाने पीने की कोई कमी ना रहे। आप और किसी खर्चे में कम कर सकते हैं। ज्यादातर औरतों की आदत होती है कि वो साड़ियों में ज्यादा पैसा खर्च करती हैं, साड़ी उनको आए दिन चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। साड़ियां भी है मेरे पास, कोई कमी नहीं है साड़ियों की, लेकिन मेरी मतलब मैं अपनी हर चीज की लिस्ट बना के काम चलाती हूँ। जो चीज हमें ज्यादा जरूरी होती है उसे हमें ज्यादा रखना चाहिए। तो ये एक लिस्ट बनाकर रखें कि हमें कौन सी चीज ज्यादा चाहिए, हमें अपने खाने पीने का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए और वो मैं रखती हूँ। मेरे काम तो इतने कि आप देखते देखते ही थक जाएंगे, लेकिन मैं करते करते नहीं हारूंगी। मैं सारा दिन काम में ही लगी रहती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट जरूर करती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। अभी मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया था, 8 बजे से 8:30-9 बजे तक मैं थोड़ी सी मैंने नींद ले ली थी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठती हूँ। तो
मैंने फिर वो सुबह का सारा काम करके और फिर मैं एक बार सो जाती हूँ, थोड़ा पाठ पूजा करके थोड़ा सा फिर रेस्ट ले लेती हूँ और फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो आप थक जाएंगे मेरे काम देखते देखते। अब मैं बेटे के लिए जूस निकाल के दे रही हूँ मौसमी का, उसको भी एनर्जी चाहिए, सारा दिन काम करता है और बहू की सेवा भी कर रहा है अभी वो। ड्रिप वगैरह वही चढ़ा देता है, कैनूला लगवा लिया है और ड्रिप चढ़ा देता है बेटा मेरा। और अभी कोचिंग से आया, कोचिंग से आते ही ड्रिप चढ़ा रहा है और फिर जाएगा अपने क्लिनिक तो वहां पे ड्रिप पे चढ़ाएगा। पूरा दिन उसका यही काम है। रात को 10 बजे आया था कल, तो वो 1 मिनट भी नहीं बैठता है, उसको टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। उधर बहन को संभाल के आता है, बहन को बरोबर संभालता है, जवाई को मतलब मेरे दामाद को, उसके तो बहन बहनों ही हुए, उनको दोनों को वो वहां से संभाल के आता है क्योंकि उसकी कोचिंग के पास ही घर पड़ता है बेटी का मेरे, तो वो वहां संभाल के आता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो बहनों को पूछते ही नहीं है, फोन ही नहीं करते हैं, लेकिन मेरा बेटा बरोबर उधर भी पूछ के आएगा, इधर जागृति को संभालेगा, हम लोगों को संभालता है क्योंकि हमारी दवाइयां भी चलती रहती है, हम बूढ़े हैं तो हमारी दवाई भी चलती रहती है, तो हमारी दवाइयां भी सुबह हमको दे के जाता है, फिर आके पूछता है अगर नहीं दे पाता है क्योंकि बहुत जल्दी निकलता है, तो फिर आके पूछता है मम्मी पापा आपने अपनी दवाई ली कि नहीं, तो वो इधर वो जागृति को संभालता है, तो पूरा दिन उसका यही काम है, वो हमारा भी डॉक्टर है। तो मैं अब बना रही हूँ पराठे, पराठे बना रही हूँ मैं, बिल्कुल पौष्टिक पराठे हैं। आप सोचेंगे किस चीज के हैं, तो जो कल सब्जी मेरी बच गई थी, आलू गोभी की सब्जी मैंने बनाई थी कल और वो बच गई थी, और दाल भी बच गई थी, बची बिल्कुल एक एक कटोरी थी दोनों, क्योंकि अभी जागृति नहीं खा रही है तो वो चीज बच जाती है। बनाती हूँ मैं उसके लिए कि भाई खा लेगी, लेकिन वो नहीं खा पाती है, तो मैं बना रही हूँ। और ये मैंने बनाया है पराठा। पराठे की शेप इसलिए मैंने ऐसे दी है कि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, अब छोटे छोटे बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और वो दाल वगैरह नहीं खाते हैं या सब्जी वगैरह नहीं खाते हैं, तो उन्हें जो भी रात की सब्जी या दाल, या फिर आप ताजी दाल और सब्जी की भी पराठे बना के दे सकती हैं, उन्हें किसी भी शेप में बनाकर दे सकती हैं, इससे वो बड़े चाव से खाएंगे, टिफिन में दे सकती हैं आप। तो अभी स्कूल में आप बच्चों को टिफिन में तरह तरह के पराठे बना के दीजिए, जिससे वो उन्हें पौष्टिक आहार मिले, सब चीजें मिल जाए, जो सब्जियां वो नहीं खाते, जो दाल वो नहीं खाते, वो चीजें उनको पराठे में मिल जाएगी। तो जरूर ऐसे पराठे बनाइए। और आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए मैं ब्लॉग को यहीं समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि मुझे और भी काम बहुत पड़े हैं, नाश्ते के सारे बर्तन पड़े हैं, खाना भी पूरा बनाना है। तो बस मैंने सोचा ये बनाए हैं तो मैं आपसे बात भी कर लूं, क्योंकि आपके बच्चों के स्कूल भी खुल गए होंगे और बच्चों को टिफिन में क्या देंगे परेशानी हर गृहिणी के साथ आती है, मुझे भी आया करती थी जब मेरे बच्चे छोटे थे, और आप लोगों को भी आती होगी। तो ये ऐसी तरह के पराठे हैं, एक साथ में फल दे दें आप उनको, कोई वो टमाटर सॉस वगैरह खाते हों बच्चे आपके, या किसी तरह की चटनी खाते हों तो वो चटनी इसके साथ रख दें और वो मजे से खा लेंगे इनको, ऐसे पराठों को आराम से खाएंगे क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं खत्म कर रही हूँ, मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ।